सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही लगे बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे अपने पुराने वाले अकाउंट को वापस कैसे खोले। दोस्तों, अगर आप भी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे अपने पुराने वाले अकाउंट को वापस खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे अपने पुराने वाले अकाउंट को वापस खोलने के लिए आपको ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन करना है, डाउनलोड करनी है, उसके बाद ओपन करना है पुराने वाले अकाउंट को खोलने के लिए। जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा। पुराने वाले अकाउंट को वापस खोलने के लिए क्या करना है, आपने जिस नंबर से पहले अकाउंट बनाया था वो नंबर सिंपली यहाँ पर आपको डालने हैं। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जिस नंबर से आपने पहले अकाउंट बनाया था वो मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी कोड को सिंपली यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे दोस्तों आप ओटीपी कोड को डाल देंगे, एंटर कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपका जो कोई भी पुराने वाला अकाउंट रहेगा आप पे लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में अपने पुराने वाले अकाउंट को कुछ इस प्रकार से खोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।